प्रोग्राम चलता है आपके चैनल पे संजीव भसीन की पाठशाला, जिसमें हमें नए निवेशक, इंटरमीडिएट निवेशक और जो एडवांस लेवल में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं उनको एडवाइस देते हैं। तो आज हम आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम पूरा लास्ट ईयर से देख रहे हैं आपको कम से कम 1 लाख क्वेश्चंस आ चुके होंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस नए निवेशकों से आता है, तो वो पूछते हैं आप इतने सालों से सक्सेसफुल स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, आपने गलतियां भी की हैं जो कि आप एक्सेप्ट करते हैं, बट सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को जानना है कि वो भी कैसे एक सफल सफल निवेशक बन पाए। तो अगर एक नया निवेशक है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो स्टॉक पिकिंग कैसे करे? तो देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी आपको मंत्रा बताता हूं, मुझे 32 साल हो गए कि ट्रेडर नेवर बिकम्स एन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर नेवर बिकम्स अ ट्रेडर। अगर आप ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव में जाते हैं, टीवी देख के बहक जाते हैं, तो याद रखिए उसमें उसमें आपके पास रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए और आपको एक नुआंसेस आने चाहिए मार्केट के। जब आप ट्रेड करते हैं, आप भाव के साथ सौदा करते हो, आपको मतलब नहीं रिलायंस ले रहे हो, टाटा स्टील बेच रहे हो, जहां आपको पैसा आना है वहां आपके लिए ट्रेडर है। इन्वेस्टर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो सोचता है अगले 10 साल के लिए या 3 साल या 5 साल, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। आज अगर आप 15 10 साल पहले देखते तो टेस्ला की मार्केट कैप $100 मिलियन भी नहीं थी और आज $1 ट्रिलियन है। तो चेंजिंग न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू एनवायरनमेंट, उस पर नजर रखनी पड़ती है। आप कहां गलती करते हैं, जब आप ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बनते हैं, वहां आपको दोनों तरफ में लगने में मुश्किल पड़ती है। ट्रेडर शॉर्ट टर्म में लॉस बुक करना जानता है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। इस कारण से सक्सेस कम्स ओनली विद हार्डवर्क एंड डिलीजेंस, एंड द इन्वेस्टर नेवर बिकम द ट्रेडर एंड द ट्रेडर नेवर बिकम द इन्वेस्टर।